हमें माफ कर देना बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने तो मुझे तब सहारा दिया जब अपना साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। सारी जिंदगी भी चाह कर ना आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकती मैं। बेटा, औलाद के लिए मोहब्बत एहसान नहीं होता, ये तो माँ बाप का फर्ज होता है। और हमने तो सिर्फ वही अदा किया। मेरी एक बात मानोगी? जी। तुम्हें हंसता बसता देखना चाहती हूँ। वापस लौट जाओ बेटा, अपने शौहर के पास। मीसम के बाप के पास। तुम भी तो मुर्तसिम से बहुत प्यार करती हो ना? उसी मोहब्बत के खातिर लौट जाओ। मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन माड़ा तुमने गलती की है। अच्छा शौहर, अच्छे माँ बाप, अच्छा घर, सब कुछ छोड़ दिया तुमने। आसानी से नहीं जा सकती, चलो मेरे साथ। और तो सैम, गिरफ का हाथ छोड़ो। लेकर जा रहा हूं। कोई रोक सकता है तो रोक ले। गिरफ का हाथ छोड़ो मुर्तसिम। चिता साहब, वो आपकी बेटी बाद में है, पहले वो मेरी बीवी है। और मीरब सिर्फ मेरी है। मुर्तसिम का निकाह कर रही हूं मैं अनवर, भतीजा है तुम्हारा। मैं चाहती हूं कि तुम उसके साथ खड़े हो। मुर्तसिम का निकाह हो चुका है मीरब के साथ, और ये फर्ज मैं निभा चुका हूं। अब आप मुर्तसिम की दूसरी शादी कीजिए या तीसरी, आपकी मर्जी है। एक तरह से माजरत है, मैं इस तकरीब में शामिल नहीं हो सकता। अनवर, मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। आखिर वो कब तक इंतजार करता मीरब का? ना करता इंतजार, इसकी तलाश तो ना छोड़ता। लेकिन मीरब को भी तो तुम बस भाभी बेगम, मीरब के किरदार के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। जानता हूं
नहीं है वो रोहिल के साथ। मेरी बेटी ना पच्चलन है और ना ही बद किरदार। उसके दोस्त ने बताया है मुझे। लेकिन यूं अपने शोहर का घर छोड़ के जाना और पता नहीं कहां जाके बैठ जाना भी कोई मुनासिब बात नहीं है। और इस बात का भी पता नहीं कि वो वापस आएगी भी या नहीं। आएगी वो, जरूर आएगी वो। बहरहाल तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, शाहनवाज खान के जाने के बाद तुम इस खानदान के बड़े हो। मैं चाहती हूं कि तुम मुर्तजा की शादी में शामिल हो और उसे दुआएं दो। आप जाइए और जाकर मुर्तजा के सर पर सेहरा बांधिए। मैं अपनी बेटी के आने की दुआ करता हूं। गुस्से में अपना कोई नुकसान ना कर लेना। अगर कल को वो तंग आ गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कहना चाहते हैं ना आप? हूं तो मेरा भला चाहता हूं तुम्हारा। कोई बाप अपनी इकलौती औलाद को इस तरह लावारिस ना करे जिस तरह आपने मुझे किया। मेरी भलाई और मेरी बर्बादी मेरे सर मेरे जिम्मे। आपकी इज्जत पे कोई आंच आएगी ना तो मुकर जाएगा। कह दीजिएगा कि मैं आपकी औलाद ही नहीं, जिसने इस दुनिया में आती आपकी बीवी आपसे छीन ली थी। मुंह मोड़ लीजिएगा वैसे ही जैसे हर दफा करते हैं आप।